लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं सोच रहा था कि हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। जल्दी? हाँ, नेक्स्ट वीक करना। तो अरे शादी ऐसे थोड़ी होती है, पता है कितनी तैयारियां करनी पड़ती है। आई थिंक हम नेक्स्ट वीक तक कर लेंगे। अरे अभी हस्बैंड बने नहीं हो और अभी से इतना रोब दिखा रहे हो। ओ कम ऑन ज़ुबैदा, इसमें रोब दिखाने की क्या बात है। मैं इसलिए कह रहा था कि जितनी देर होगी उतनी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा वक्त देना चाहिए। और फिर ये तो शादी का मामला है भाई। जब तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें पसंद हूँ, फिर देर करने का क्या मतलब। और अगर मैं ना कर दूं तो? ओ प्लीज सुबैदा, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। और अगर तुमने ना कर दिया तो मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा जो अम्मी को पसंद है। अरे तुम नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने जो तुमसे पूछा उसका जवाब मुझे कल तक मिल जाना चाहिए। सुबैदा, आई जस्ट वॉन्ट योर यस और नो। बाबा ये तहा तो पीछे ही पड़ गया है। अब क्या किया उसने? कुछ किया नहीं है, करना चाहता है, मुझसे शादी करना चाहता है। ये तो अच्छी बात है। मुझे उसने सिर्फ कल तक का वक्त दिया है, अगले हफ्ते ही शादी करना चाहता है। बाबा मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कंफ्यूज क्यों भाई, यही तो हम चाहते थे, यही तो प्लान था हमारा। मैं बदला लेना चाहती हूँ बाबा, लेकिन इसके लिए शादी मुझे नहीं लगता ये सही होगा, क्योंकि शादी के बाद मैं एक ऐसे रिश्ते में बन जाऊंगी कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। जुबी, इतनी समझदार होने के बाद तो ये बेवकूफी की बातें क्यों कर रही हो। अरे भाई उस घर में रहोगी तो हमें काम करने में आसानी होगी, उस घर की रात पता चलेंगे हमें सब भाई, उनकी सारी अंदर बाहर की बातें हमें पता चलेंगी, दुश्मन की हर चाल पे हमारी नजर बनी रहेगी, फिर देखना खेल में कितना मजा आता है। मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ बाबा, लेकिन फिर भी संभव इस शादी के लिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही हूँ। अरे उस अबीर को देखो, अकेली है लेकिन कितनी हिम्मत से काम किया उसने। आज पूरा चौधरी खानदान चाहते हुए उसका हक नहीं छीन सकता। हारिस से शादी करके उसने अपनी जिंदगी बना ली। माना वो हमारी दुश्मन है, लेकिन दुश्मन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता कई बार। आप ठीक कह रहे हैं बाबा। तुम्हें ताह की बीवी नहीं, उस घर की बहू बनना है। बहू और बीवी में बहुत फर्क होता है। अब जाओ शादी के लिए, हाँ कर लो। लेकिन बाबा मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बड़ी अम्मी। क्या कहा? क्यों बड़ी अम्मी, आपको अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। आज से तुम मुझे बड़ी अम्मी कहकर ही पुकारना। और कोई हुक्म? अभी नहीं। अच्छा अब आप मेरी बात सुनिए। सुनाइए। मैंने ज़ुबैदा से कह दिया कि मुझे कल तक जवाब चाहिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। बहुत अच्छा किया, बात साफ होनी बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात का यकीन है कि उसका जवाब हाँ में ही होगा। भला ऐसी कौन सी लड़की होगी जो तुमसे शादी करने से इनकार करे। मेरा बेटा तो लाखों में लाखों में। बस बड़ी अम्मी बस, मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, मैं बिखर जाऊंगा।
नहीं, तुम कभी नहीं बिगड़ सकते। अच्छा एक बात बताइए बड़ी अम्मी, मैंने सही फैसला किया ना? कोई गलती तो नहीं कर रहा? बिल्कुल सही फैसला किया है तुमने। शादी के फैसले में लड़का लड़की राजी हो तो किसी और के रजामंदी की कोई जरूरत नहीं है। रहना तो तुम दोनों को ही है ना, किसी और से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और सुनो, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। हाँ, जब माँ साथ हो तो बच्चों को किसी की जरूरत नहीं होती है। माँ का साथ तो हमेशा साथ है, लेकिन मेरा बेटा प्यार में माँ की बातें भूल गया, कुछ याद भी है क्या? अच्छा, इसका मतलब है कि तुम वाकई भूल गए। बड़ी अम्मी प्लीज बताइए ना। क्या बेटा, तुमने अब्बू के बारे में पता किया? ये आपने कैसे सोच लिया कि मुझे अब्बू की फिक्र नहीं है? मैंने उनके बारे में पता लगाना शुरू कर दिया है। देखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके कदम इस घर के लिए मुबारक बनाए। ओफो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी? बड़ी अम्मी कल बताऊंगा, इस वक्त मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। बदला लेने के लिए मेरे बेटे को हथियार बना रही हो, उसे गलत रास्ता दिखा रही हो। तुम तो ऐसा ही सोचोगी, क्योंकि गलत तुम खुद हो। और जो लोग गलत होते हैं उन्हें दूसरे भी गलत लगते हैं। तुम्हें तो सिर्फ अली यावर की दौलत और जायदाद से मतलब है। माफ करना, तुम्हें होगा, नहीं तो फिर से इस घर में रहने क्यों आते? मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी इस घर से निकलवा सकती हूँ, क्योंकि इस घर पर तुमसे ज्यादा हक मेरा है, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मेरे शौहर को कितने दिन हो गए यहाँ से गए, पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, लेकिन तुम्हें तो कुछ फिक्र नहीं। और ये इस बात का सबूत है कि तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं। अच्छी तरह से मेरी बात सुन लो, अब जो मैं चाहूंगी इस घर में वही होगा। मैं भी देख लूंगी, तुम जहां से आई हो वहीं तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। हेलो, अभी अम्मी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए अम्मी। हमारे लिए एक खुशखबरी है, ताहा अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है और निगाह इस बात के खिलाफ है। फिर तो मौका अच्छा है, आपको ताहा का साथ जरूर देना चाहिए। वही तो कर रही हूँ, बस एक ही बात का डर है अम्मी, अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आप सोच लीजिए, ताहा का अपनी मर्जी से शादी करना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जुबेदा से शादी करने की बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। बेटी तुम फिक्र मत करो, इस घर में अब मैं दाखिल हो चुकी हूँ, जुबेदा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने ताहा को अपने भरोसे में ले लिया है, अगर जुबेदा ने कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं ताहा को भी उसके खिलाफ कर सकती हूँ। अम्मी आप जुबेदा को नहीं जानती है, वो बहुत तेज लड़की है, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे और हारिस के दरमियान दरार पैदा करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो
कि हमारी सोच उल्टी हो जाए और हमें नाकामी का सामना करना पड़े। देखो अभी बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मैं ताह और सुबेदा को अलग नहीं कर सकती। अगर मैंने ताह को समझाने की कोशिश की तो हो सकता है कि वो मेरे ही खिलाफ हो जाए, क्योंकि आजकल ताह के तेवर बिगड़े हुए हैं। सुबेदा के लिए वो अपनी अम्मी और चौधरी के खिलाफ हो गया है। अगर उन लोगों के साथ ताह बगावत कर सकता है तो हम लोगों के साथ क्या बर्ताव करेगा? चाहे कुछ भी हो अम्मी, मेरा दिल नहीं मान रहा है। मुझे ना ताह पर भरोसा है और ना ही जुबैदा पर। ताह तीर है तो जुबैदा कमान। वो ताह से चौधरी खानदान को जख्मी करना चाहती है। कभी कभी शिकार करने वाले खुद भी शिकार हो जाया करते हैं। पापा को समझाना बेकार है, क्योंकि वो सुनेंगी सब लेकिन करेंगे अपने दिल का। लेकिन ये हमारे लिए धोखा है। हम जानते हैं हम नाकाम हो सकते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। जब तक करने की सोचेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन तब तक हम हाथ पर हाथ तो नहीं रख सकते ना। हमें हर वक्त तैयार रहना होगा ताकि सही वक्त के आने पर हम अपनी चाल चल सके। ताहा मेरे रिश्ता इतना अच्छा नहीं रहा, वरना मैं खुद उसे समझा देती। अब मैं उसे समझाने जाऊंगी तो वो उसका गलत मतलब निकाल लेगा, हम और उलझ जाएंगे। तो तुम ये कहना चाहती हो कि ताहा जो कुछ भी कर रहा है वो सही कर रहा है? मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। देखो हमें आपा को समझाना होगा कि वो हर कदम फूंक फूंक के रखे, क्योंकि वो घर नहीं एक चाल है जहां उन्हें अकेले स्ट्रगल करना है। और इस वक्त अगर उन्हें अपने दिल या जज्बात से काम लिया तो वो फिर से धोखा खा सकती, क्योंकि निगार एक बहुत ही खतरनाक और चालाक औरत है। उस दिन तो आप मुझे बहुत भरोसा दिला रहे थे, अब क्या हुआ? केस करने में तंडीले क्यों कर रहे? देखिए ये सब बातें करके आप मुझे बहुत कंफ्यूज कर देती हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। कंफ्यूज तो आप मुझे कर रहे हैं। मैं जब भी आपसे कुछ पूछती हूँ हाँ में आपका जवाब होता है, लेकिन करते कुछ नहीं। मैं जब भी आपसे कुछ पूछती हूँ जवाब देने के बजाय आप मुझसे उल्टा सवाल करते हैं, और इसकी वजह से ये है कि आपके पास जवाब देने के लिए कुछ होता ही नहीं। हाँ, जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपके केस से ज्यादा मुझे अपनी बच्ची की फिक्र है। केस तो मुझे और भी बहुत मिल जाएंगे लेकिन बच्ची नहीं। बच्ची? आपकी बच्ची का इस केस से क्या ताल्लुक है? बस बच्ची का ही तो ताल्लुक है। मेरे चुप रहने की वजह मेरी बच्ची है। अगर मैं आपका साथ दूंगा तो वो लोग मेरी बच्ची को तकलीफ पहुंचाएंगे। देखिए इस दुनिया में मेरी बच्ची मेरे लिए सब कुछ है। देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। आप कोई और वकील ढूंढ लीजिए प्लीज। कैसे होता है? अल्लाह का करम। क्या अब तक मुझसे नाराज हो? अब नाराजगी की बात ही कहाँ पैदा होती है भाभी जान। आप अपनी जिंदगी जी रही हैं और हम अपनी। गुजरी भी बातों को याद करके दुश्मनी निभाने का वक्त मेरे पास नहीं है। बिजनेस की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। शायद बिजनेस के साथ साथ एक और फिक्र तुम्हें लग गई है। कौन सी फिक्र? शादी की। ओ, तो आपको भी पता चल गया? ये भी पता चल गया है कि तुम किससे शादी कर रहे हो। हाँ, वो भी पता चल गया होगा। क्या तुम्हें लगता है कि जुबेदा यानी जुबी तुम्हारे लायक है? भाभी जान, मैं ना समझ आदमी या नादान बच्चा नहीं। अच्छाई और बुराई में फर्क महसूस नहीं कर पाऊं। मैं जानता हूँ कि जुबेदा शादी करने का फैसला
मैंने सही किया है या गलत? तुम्हारा कहना सही है ताहा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि तुम्हें जुबी को आजमा लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी तुम एक बार रिदा से धोखा खा चुके हो। रिदा का मुकाबला सुबेरे से करना बेवकूफी है। रिदा ने सिर्फ अपने मतलब के लिए और अपने बाप का बदला लेने के लिए मुझसे प्यार का झूठा ड्रामा किया। मुझे फंसाने के लिए उसने खुदकुशी करने की कोशिश भी की, लेकिन नतीजा क्या निकला? वो गलत थी, इसलिए मैं रिहा हो गया, वरना आज भी मैं हवालात में होता। अगर तुम्हें जुबी पर इतना भरोसा है तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगी, आंखें जो देखती है वो सच नहीं होता। सच्चाई जानने के लिए दिलो दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। खैर, तुम समझदार हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं ये फैसला तुम ही कर सकते हो। चलती हूँ, खुदा हाफिज। हेलो बड़े अबू, जबरदस्त ऑफिस आई है? हाँ आई थी, लेकिन जल्दी चली गई। कोई खास बात हो तो तुम उसके मोबाइल पर फोन कर लो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस लड़के का जुबैर से क्या रिश्ता है? अरे हो जाएगा, यू डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा। जुबैदा से तेरा क्या रिश्ता है? तुम्हें क्या मतलब? मतलब है, इसलिए तो पूछ रहा हूं। मेरे सवाल का सीधे सीधे जवाब दे, जुबैदा से तेरा क्या रिश्ता है? तुम हो कौन? जुबैदा मेरी होने वाली बीवी है। बीवी? मुझे मजबूर मत कर कि मैं अपनी हदों को पार कर दूं। ए, जब मैं शराफत से पेश आ रहा हूं तो ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं। हदें कैसे पार की जाती है ये मैं भी जानता हूं। अगर नहीं बताऊंगा तो क्या कर लेगा? हाँ, क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा? मेरी हिम्मत कैसी मेरा गरेबान पकड़ने की? हाँ, और इन दोस्त जुबैदा से मिलने की कोशिश मत करना। अबे चल हट, हिम्मत तो जा, पहले जुबैदा को मना कर, उस पर अपना हक जता। मुझसे इस तरह बात करने का तुझे कोई हक नहीं, समझे? चल। Thank you.